पिता ने अपनी 8 दिन की बेटी को इस बात से नाराज होकर उसके मुंह में तंबाकू ठूंसकर मार डाला कि उसकी 2 बेटियां हैं, जिसमें तीसरी बेटी भी शामिल है। उसने घिनौना काम करते हुए उसके शव को भी ठिकाने लगा दिया। ये दिल दहलाने वाली घटना जलगांव के जामनेर तालुक के हरिहर टांडा गांव में कल मंगलवार को सामने आई है। इस मामले में पाहुर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिता का नाम गोकुल गोटीराम जाधव, उम्र 30 साल है। इस घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। जामनेर तालुका के वाकोद के पास हरिनगर टांडा के निवासी गोकुल जाधव की 2 बेटियां हैं। 2 सितंबर को गोकुल जाधव की बीवी ने तीसरी बेटी को भी जन्म दिया। डिलीवरी जामनेर तालुक के वाकोद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई। गोकुल बहुत क्रोधित था कि लड़कियां पहले भी पैदा हो चुकी है और उनकी तीसरी संतान भी लड़की थी। इसी गुस्से में अगले दिन गोकुल ने अपनी 8 दिन की बच्ची के मुँह में तम्बाकू डाल दिया, फिर उसे गोफन में सुलाया गया। इस घटना में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई। उसने ये दिखावा किया कि लड़की की मौत बीमारी के कारण हुई है। बाद में उस रात गोकुल ने फरदापुर से वाकोद रोड पर एक गड्ढा खोदा और शव को ठिकाने लगा दिया। इस गांव में किसी भी घर में बच्चे के जन्म के बाद आशा सेविकाएं घर घर जाकर उसका रिकॉर्ड बनाती है। इसी के तहत मंगलवार को आशा सेविकाएं हरिहर टांडा गांव में गोकुल जाधव के घर लड़की के जन्म का पंजीकरण कराने गई थी। हालांकि उन्होंने घर में बच्ची जन्मी को नहीं देखा। उन्होंने इस बारे में बिना कुछ पढ़े लिखे सीधा चिकित्सा अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने जांच के बाद पता चला कि ये घटना उसके अपने ही बाप ने घटी है और लड़की को इस तरह से मार दिया है। तंबाखूच्या परिणामाने त्या मुलीचा छोटे आरबकाचा मृत्यू झाला हे संबंधित आशा वर्कर आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्या लक्षात आल्यानंतर वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाकोद यांच्या फिर्यादीनुसार पोलीस स्टेशन पहुर येथे भारतीय दंडविधान कलम 302 आणि 201 म्हणजे खून आणि पुरावा नष्ट करणे या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदरील आरोपीस अटक करण्यात आलेली आहे।